प्रयागराज के गोनिया बाजार इलाके में दिवाली की शाम लुटेरों ने बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। शाम 8 बजे जब सब लोग दिवाली मना रहे थे, उस वक्त 6 बदमाश लूट के इरादे से सराफा व्यापारी के घर में घुसे। बदमाशों ने सराफा व्यापारी से धक्का मुक्की की और परिवार वालों को मारने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय निवासियों की सजगता से बड़ी वारदात टल गई। स्थानीय निवासियों ने दो बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। घटना थी कल 8:30 बजे का था। पूजा हम लोग करके ही बाहर खड़े थे, दुकान बढ़ाने के बाद हम लोग वहीं, मेरा छोटा बेटा था वहाँ खेल था, जला रहा था। इसके बाद आए 6 बदमाश, वहाँ पे एकदम आसानी से धीरे से आए। हम लोग नहीं जानते थे वो कि वो चोर बदमाश आए। पूरा मेरे हस्बैंड यहीं खड़े थे, उनका कॉलर पकड़ा, गाली जबरदस्ती 3 मिनट खेल के अंदर ले गए। फिर मैंने भी छुड़ाने के आई, मेरा भी मुँह दबा के गठे पकड़ के अंदर ले गया, शटर नीचे गिरा दिया। इसके बाद पिस्तौल निकाला, मेरे यहाँ सर पे रखा और हसई उठा वाला काटने वाला हसिया था, उसको कटाई लगा कह के कतल हो जाएगा। फिर जाके बाहर कोई बताया, वो आया उसको शटर उठाया। इसके बाद उन्हें भी मार पीट करके यहाँ भी बाहर भी झटकी झटका हुआ। पिस्तौल जो था उसको भी यहाँ नीचे गिरा, पकड़ मेरे पति छीन लिया, उसको भी थाने में दर्ज किया गया है। 500 मीटर की दूरी पे पिंक बूथ बना हुआ है आज से 15-20 दिन पहले, और शरारती तत्व तो इतने अराजक हो गए हैं कि दुकान बंद करते समय दुकान में घुस गए और हाथापाई होने लगी, और सबके हाथ में कट्टा बंदूक सब रखा हुआ था, सबसे छीना झपटी हुई और दो को हम लोगों ने पकड़ लिया और 4 फरार हैं। आपका नाम? उमा शंकर साहू। किस चीज का दुकान है? बर्तन और ज्वेलरी का। तो आपका क्या चीज ले गए हो अपने पास? मंगलसूत्र मिसेज का छीन कर भाग गए हैं और सारा सामान सुरक्षित है, चोट फूट हल्का फुल्का हुआ है। कितने लोग पकड़े गए हैं? 2 पकड़े गए हैं, 4 फरार हैं।